हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों का हमारे इस टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास इस वक्त बहुत भारी तादाद में निवेशकों के यही कमेंट आ रहे हैं कि पैसा कम मिलेगा। दोस्तों, उन कमेंटों से ऐसा लगता है कि सभी निवेशकों को इस वक्त अपने पैसे लेने की बहुत बड़ी, जी हाँ दोस्तों, ज़रूरत है। ज़रूरत पैसे की हर वक्त पड़ती है, क्योंकि इस वक्त आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मैटर चल रहे हैं उसमें निवेशक यही चाहता है कि हमारा पैसा जल्द से जल्द निकल जाए। लेकिन दोस्तों, हमें आपसे बताते हुए बड़ा दुख होता है इस बात का कि अभी आदर्श सोसाइटी की जाँच चलने में जो इस वक्त आदर्श सोसाइटी के कार्यकर्ता हैं वो कुछ जांच में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं और जांच को रोकने के चांस में लगे रहते हैं, अड़ंगा अड़ाए लगे रहते हैं। तो हजारों करोड़ों खुर्द बुर्द करने वाले आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का घोटाला उजागर होने में भी और समय लगेगा। दोस्तों, सरकार की राजस्व से जुड़ी एजेंसियां जहां तक इस मामले की परतें खोलने का प्रयास कर रही है, बल्कि जो आदर्श समूह के साथ निवेश कर चुके हैं उन्हें भी राहत के लिए अधिक प्रतीक्षा करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैटर बहुत लंबा मैटर है और इतने बड़े लंबे मैटर में पैसा कोई पेड़ पर तो लगता नहीं दोस्तों कि सरकार तोड़ेगी और आपके हाथ पर रख देगी। सरकार की भी अपनी पूरे पूरे प्रयास चल रहे हैं और वह भी चाहती है कि जल्द से जल्द गरीब निवेशकों का पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, यही हमारी अपनी खुद की भी यही हमारी कोशिश है कि सभी चिटफंड के जो मामले हैं उनमें सभी निवेशक, लगभग पूरे हिंदुस्तान से 15 करोड़ से ज़्यादा निवेशक इस वक्त अपने पैसे लेने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से आपकी भी एक कंपनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपनियों की छोटी मोटी कमियां पकड़कर, जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि पहुंचा पकड़ के गिरवान पकड़ने वाले, इस वक्त मैटर सरकार के चल रहे हैं। सरकार इस वक्त सभी निवेशकों के लिए पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त जो जांच का मैटर है उस जांच के मैटर में सारी मामले को लंबा खींचा जा रहा है और इस लंबे मामले में हम आपसे ये नहीं कह सकते कि आपका पैसा कल मिलेगा या आपका पैसा 2 महीने बाद मिलेगा, क्योंकि जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उस खुलासों की गहराइयां बहुत हैं। उन खुलासों को अगर हम आपके सामने एक ही वीडियो में बताएं तो दोस्तों वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको ये खुलासे बताने की कोशिश करूँगा, तो आप इसके बाद वाली वीडियो देखें ताकि मैं आपको इस वक्त जितने भी जांच एजेंसियों के खुलासे हमारे सामने आए हैं वो आपको उसमें हम जरूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे अपडेट लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।